हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? होप यू ऑल आर फाइन. माई सेल्फ कुलजिंदर सिंह, योर मैथ टीचर. टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. फर्स्ट टॉपिक बेटा एंगल. नाउ बेटा व्हाट इज अ एंगल? सपोज इट इज अ इनिशियल लाइन. OP is a initial line and OQ is a terminate line. Terminate line means बेटा suppose मेरे पास OP initial line है, अगर वो rotate कर रही है, rotate करके बेटा वो last position कहाँ पे पहुंची? OQ पे. ठीक है, तो उसकी last position है OQ, तो मैं इसे initial condition initial point position बोलूंगा, इसे terminate position बोलूंगा. देन बेटा पी ओ क्यू इज अ पॉजिटिव एंगल, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, हेंस इट इज अ पॉजिटिव एंगल. इफ बेटा इसकी डायरेक्शन जो रोटेशन की डायरेक्शन है, एक्चुअली में बेटा रोटेशन के मेजरमेंट को एंगल बोल रहे हैं हम, जो मीन्स रे कोई भी लाइन है बेटा वो रोटेट कर रही है, उसको क्या बोल रहे हैं बेटा? उसके मेजरमेंट को हम एंगल बोल देते हैं. तो अगर वो रोटेशन पोस्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरा एंगल पॉजिटिव होगा. अगर बेटा वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, सपोज इनिशियल लाइन ये है बेटा, टर्मिनल लाइन ये है, ओ पी ओ क्यू ये बेटा टर्मिनेट लाइन, तो ओ पी के बाद बेटा अगर लाइन ओ क्यू पे पहुंच रही है तो ओबियस है उसकी जो रोटेशन है वो डायरेक्शन किस में है बेटा? क्लॉकवाइज. तो ये क्या है बेटा? नेगेटिव एंगल. ये क्या है? पॉजिटिव एंगल. अब बेटा इसके बाद कंसेप्ट है, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए दो टाइप्स है मेरे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डिग्री, डिग्री मेजरमेंट हम बेटा छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं. जो पूरा सर्कल है बेटा उसको हम 360 में डिवाइड करते हैं, मीन्स 360 एंगल बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल. तो जितना भी पोर्शन बेटा हम कवर करेंगे, सपोज 1/36 पोर्शन मैंने कवर किया अगर इस सर्कल का, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 डिग्री. अगर मैं पूरे सर्कल का, जो मेरे बेटा ये पूरा सर्कल एंगल बना रहे है वो 360 है, ठीक है, अगर मैं इसका 1/360 पोर्शन कवर कर रहा हूँ तो उसमें कितने डिग्री कवर होगा बेटा? 1 डिग्री. तो ये हम बेटा छोटी क्लास में कर चुके हैं. अब इसके फर्दर है बेटा, नेक्स्ट आगे भी है. 1 डिग्री में बेटा 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में बेटा 60 सेकेंड. ठीक है, जैसे बेटा टाइम में होता है वही सेम इसमें भी ले रहे हैं. अगर मान लो मेरे पास बेटा हाफ डिग्री है, हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट. तो इस टाइप में बेटा एंगल को बोल रहे हैं. ये डिग्री का कंसेप्ट है. जो बेटा इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हम इस साल करेंगे वो है रेडियन. तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा रेडियन. रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल. सपोज बेटा लेट अ सर्कल विद रेडियस आर, ओ पी बी अ रेडियस एंड ओ क्यू इज अनदर रेडियस. देन बेटा QP is a length of arc say L. If L is equal to R, then angle POQ is equal to 1 radian. 1 radian.
तो बेटा जो मैंने यहाँ पे सी लिखा है ना, सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम। ये जो रेडियन है ना, ये सर्कुलर सिस्टम के अंडर आ रहा है, तो इसलिए मैं इससे सी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर 2 रेडियन है, 3 रेडियन है, तो हम 2C2, अगर डिग्री है तो बेटा ऐसे हम लिखते हैं 3 डिग्री, 5 डिग्री, एक्सेट्रा, है ना। तो रेडियन में बेटा सी का यूज़ करेंगे। तो रेडियन क्या है बेटा, अगर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम हो जाए तो जो एंगल बनेगा ये, तो ये कितने रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो बेटा एक रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं। वी नो दैट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बेटा हम कर चुके हैं 10th क्लास में, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इफ एल इज इक्वल टू आर देन एंगल विल बी 1 रेडियन। सो पुट एल इज इक्वल टू आर एंड थीटा विल बी 1 रेडियन, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, आर कैंसल बाई आर, वी गेट 1। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 रेडियन, डेट इज 2 पाई रेडियन। 2 कैंसल बाई 360, वी गेट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो जी बेटा ये मेरे पास एक क्या आई बेटा, रिलेशन आया डिग्री और रेडियन में, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब 30 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई अपॉन 6, 45 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर बेटा, ये आपने रिमेंबर रखने बेटा रिजल्ट्स। 30 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, 45 को ये, क्योंकि अब जब भी बेटा नेक्स्ट हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के, तो हम एंगल है बेटा वो डिग्री में नहीं, रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। लिखेंगे भी रेडियन में, तो 90% 95% बेटा रेडियन का यूज़ करेंगे, डिग्री का बहुत कम यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, करेंगे बट कम करेंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस में बेटा यही करते रहे डिग्री का यूज़। बड़ी क्लासेस में बेटा इसके बाद आप +1 +2 फर्दर स्टडी में भी बेटा रेडियन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो थोड़ी सी बेटा थोड़ी सी आदत आपको डालनी पड़ेगी इसकी, पाई की फॉर्म में, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, जो बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे वो बेटा अपने आप आपने ट्राई करने हैं, कल जूम सेशन में उसके डाउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वी हैव 25 डिग्री, वी हैव टू फाइंड रेडियन मेजर। तो 25 डिग्री का बेटा हमने क्या करना है, रेडियन मेजर फाइंड करना चाहते हैं। सो वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज दिस इंप्लाइज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। दिस इंप्लाइज 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 25, डेट इज पाई अपॉन, बेटा कैंसिल कर लो, किसी टेबल पे हो रहा है 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 5 के टेबल पे कैंसिल करोगे यहाँ पे 5, नीचे बेटा 5 के टेबल पे कैंसिल किया 3 6, तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो यहाँ पे बेटा मैं सी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 11 बाई 16 रेडियन है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड डिग्री मेजर। नाउ अगेन बेटा वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, डेट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन।
सॉरी डिग्री, 11 अपॉन 16 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन, बेटा हेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, 7 पलट के बेटा ऊपर, इंटू 11/16, 11 कैंसिल बाय 22 वी गेट 2, ये बेटा कैंसिल होगा 19, फिर ये कैंसिल होगा बेटा 45, यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 315/8। तो बेटा जो मेरे पास आंसर आया वो आया बेटा 315/8 डिग्री। अब मुझे पता है बेटा मैं डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेकंड और मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं फर्दर बेटा इसको 315 को बेटा डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, 315 को 8 से डिवाइड करोगे तो 24 3 पे गया बेटा, 75 72 39 रिमाइंडर 3। तो बेटा वी कैन राइट 315/8 एज 39 + 3/8। अब बेटा 39 डिग्री कंप्लीट है, अब 3/8 डिग्री है मेरे पास, तो मैं इसको बेटा 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में, क्योंकि वी नो दैट इन वन डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट है बेटा 60। तो इसके बाद बेटा इसको लिख सकता हूँ 39 डिग्री प्लस, इसको बेटा करोगे आप 180 अपॉन 8 मिनट, ठीक है। तो फर्दर इसको डिवाइड करते हैं बेटा 39 डिग्री प्लस, ये बेटा 2 के टेबल 4 के टेबल पे जा रही है, 4 के टेबल पे इसे कैंसिल करोगे तो 4/5/2, ठीक है बेटा ये मिनट है। इसको फर्दर कन्वर्ट करोगे बेटा 39 डिग्री प्लस 22.5 मिनट, हाफ मिनट को बेटा फिर कैसे लिख सकते हो, 39 डिग्री एज इट इज 22 मिनट, एंड हाफ मिनट को बेटा कैसे कन्वर्ट कर सकते हो 30 सेकंड में। तो मेरे पास पूरा एंगल क्या आया बेटा 39 डिग्री 22 सेकंड 22 मिनट 30 सेकंड, क्लियर बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। सपोज बेटा सर्कल विद रेडियस 20 बिकॉज डायमीटर इज अ 40 देन रेडियस विल बी 20, बेटा आल्सो कॉर्ड इज 20 रेडियस इज 20 ऑब्वियसली बेटा देन ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन एंगल ए ओ बी विल बी 60 डिग्री, क्लियर बेटा। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ए बी, अगेन बेटा वही फॉर्मूला सेम, लेंथ इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr, है बेटा लेंथ इज इक्वल टू एल एज इट इज थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज 20, 0 कैंसिल बाय 0, 6 कैंसिल बाय 36 वी गेट 6, एल इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 20 अपॉन 6। नाउ बेटा कैंसिल करेंगे तो 3/440/21 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हमने लेंथ फाइंड करनी, लेंथ मेरे पास क्या आई 440/21 सेंटीमीटर। सो बेटा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है बेटा। दिस टॉपिक कवर योर एक्सरसाइज 3.1, ट्राई एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक।
क्लियर बेटा, थैंक यू।